नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडोब प्रीमियर प्रो 2019 में। आज हम बात करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। यहाँ पर ये होती है टाइमलाइन विंडो। सबसे पहले वीडियो हमने पता किया था कि टाइमलाइन विंडो यहाँ पर होती है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है टाइमलाइन विंडो का, क्योंकि जो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं सारा कार्य हम टाइमलाइन में ही करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से कोई भी वीडियोज लेके मैं यहाँ पर आता हूँ, तब हमारे टाइमलाइन के जो बाकी के ऑप्शन होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइमलाइन नो सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आप हिंदी में इसको ग्रंथमाला कह सकते हो। एक सीक्वेंस होता है, इसके बारे में ऊपर हमारे पास एक मेन्यू भी है, देखो सीक्वेंस। जब इसके बारे में हम सीखेंगे तब सीक्वेंस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आप सीक्वेंस यहाँ से नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू, यहाँ पर सीक्वेंस पे क्लिक करके आप अपना खुद का सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं सीखेंगे, सीक्वेंस के वगैरह कुछ चैट अनुसार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं किसी भी वीडियो को उठा के यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर ला के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा वीडियो आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्रिएट हो गया, जो आपकी वीडियो फाइल का नाम रहेगा उसी नाम से एक सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास वीडियो फाइल्स हैं इनमें से इस किसी भी वीडियो को पकड़ के आप यहाँ पर लाके छोड़ोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है कि यहाँ पर एक न्यू क्रिएट हो जाता है सीक्वेंस। तो यहाँ पर अभी हम सीक्वेंस के बारे में डिटेल से नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वीडियोज लेके आया हूँ यहाँ पर, और एक वीडियो मैं और लेके आता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये फ्रेम चलती है, यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम। ये मान लो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये 20 फ्रेम है और 1 सेकेंड, उसके बाद में मिनट, उसके बाद में घंटा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर तो आपको टाइम दिखा रहा है, उसी के नीचे एक ऑप्शन है इंसर्ट एंड ओवरराइड सीक्वेंस, तो इसको थोड़ा आगे समझेंगे। उसके बाद में स्नैप, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्नैप के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर। स्नैप क्या होता है, जैसे मान लो इसको यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की होती है एस, ऑन ऑफ हो जाता है एस से। सेलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैं इस वीडियो को इसके पास ला रहा हूँ, जिससे इसके ऊपर आ रहा है, देखो यहाँ से इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इस वीडियो को यहाँ से हटा देता है। कंट्रोल जेड वापस कर रहा हूँ मैं, तो आप स्नैपिंग ऑन रखेंगे तो ये चुंबकीय तरह यहाँ से, जैसे इसको पास में लाओ तो यहाँ से देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, इस चुंबकीय प्रभाव की तरह। तो ये होता है स्नैपिंग का कार्य। तो आपको एडिटिंग में स्नैप को ऑन रखना चाहिए ताकि आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐसा दिक्कत ना आए। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लिंक सेलेक्शन। लिंक सेलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक वीडियो लेता हूँ जिसमें ऑडियो फाइल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी ऑडियो फाइल भी सिलेक्ट हो रही है, वीडियो भी हो रहा है, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये केवल वीडियो फाइल और यहाँ से ऑडियो हो रही है, देखो। आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी ले सकते हैं, जैसे आप आगे पीछे लेंगे तो ये बताएगा कि ये जो वीडियो है इसका ये -3 सेकेंड पीछे चलेगा और ये आगे है। तो इसका यूज आप इस प्रकार से करते हैं, इसको आप ऑन रखते हैं तो ये सिलेक्ट करोगे तब इसके साथ जो लिंक होगा वो इसके साथ रहेगा, और यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से इसको ऑन कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ऐड मार्कर का ऑप्शन है। मार्कर का ऑप्शन सिंपल से आप होता है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर कुछ मार्क लिखना चाहता हूँ, मैंने मार्क कर दिया इसको, और ठीक है। यहाँ पर ऐड मार्कर के ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे, और इसका कोई कलर वगैरह सेलेक्ट करना चाहो तो कर लेना, उसके बाद ओके, तो ये मार्क हो जाता है। ये सिंपल सा यूज है इसका, और इसको यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर क्लियर और मार्क पर क्लिक हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सेटिंग का। ये क्या होती है, टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग होती है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे ऊपर है शो वीडियो थंबनेल्स, ठीक है। शो वीडियो थंबनेल्स सबसे पहले देखो, इसकी हाइट में इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करने का शॉर्टकट ये है कि माउस में जो व्हील होती है बीच में, स्क्रॉल बटन जिसको बोलते हैं, और कीबोर्ड से एल्ट बटन को साथ में प्रेस करके आप जिसे ऊपर नीचे करोगे तो इसके साइज इस तरह से इंक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं और केवल एल्ट से आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर देखो ये वीडियो फोटोज दिख रही है, तो या इस सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पर इस
इस टिक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थंबनेल दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थंबनेल देखने के लिए हमारे ये काम में आता है। और जैसे इस टाइमलाइन को जूम करने के लिए, इसको जूम करने यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर एल्ट प्रेस करके, फिर भी वही शॉर्टकट है, आप व्हील से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, सेटिंग में ऑप्शन है। यहाँ पर शो वीडियो की फ्रेम, की फ्रेम क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिले की फ्रेम का। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो गई है। आगे थोड़ा बहुत आगे चल के यहाँ पर और क्लिक करता हूँ, ये की फ्रेम और ऐड, इनको बोलते हैं की फ्रेम, जिनको एनिमेशन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पर मैं सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, तो ये की फ्रेम मुझे दिखाई नहीं देगी इस तरह से। उसके बाद में सो वीडियो नेम, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वीडियो का जो नेम आ रहा है यहाँ पर ऑप्टिकल माउस, तो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में ऑडियो नेम्स, सो क्लिप मार्क्स, जितने भी क्लिप मार्क्स लगे हैं वो सारे दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखा रहा है मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारी एक साथ छोटी हो जाएगी। वापस क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड करोगे तो ये सारी एक साथ एक्सपेंड हो जाएगी, जितनी भी ट्रैक्स है सभी एक साथ एक्सपेंड हो जाएगी और यहाँ पर ये मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद में आप प्रीसेट भी कर सकते हैं कि भी मुझे इसकी हाइट इतनी चाहिए, इसकी हाइट इतनी चाहिए, तो इसको प्रीसेट भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इनके अंदर उलझना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझनी है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना है। उसके बाद में देखो इन ऑप्शन के बाद में सेटिंग में जाके मैं इसको वापस एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑडियो वेब फॉर्म, यूज लेबल कलर, वीडियो हेड एंड टेल, थंबनेल्स। यहाँ पर एक होता है ऑप्शन कंटिन्यूअस थंबनेल, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कंटिन्यूअस थंबनेल दिखेगी। यहाँ पर जैसे कंप्लीट वीडियो में आपको यहाँ पर ये थंबनेल दिखाई दे रही इस तरह से। यहाँ से आप इसको वापस वीडियो हेड थंबनेल पर ले सकते हैं, मतलब मेन थंबनेल यहाँ पर एक आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर उसके बाद में बहुत से ऑप्शन है, स्टार्ट टाइम, यहाँ पर स्टार्ट टाइम आप खुद, यहाँ पर देखो जैसे शून्य शून्य से स्टार्ट हो रहा है, तो आप खुद के अनुसार स्टार्ट करा सकते हैं, इतनी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में जैसे ये क्रिएट प्री सेट फ्रॉम सीक्वेंस के लिए, हम जब सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे तो इसका यूज़ वहाँ पर क्या होता है इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सेम है वही ऑप्शन वहाँ पर आपको ऊपर सीक्वेंस मेन्यू में मिलेगा, तो ये एक तरह से ऑप्शन है। उसके बाद में टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये वीडियो क्लिप ला रखी है, यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो आपको ट्रैक मिलती है, ये वीडियो ट्रैक है, इसके नीचे ऑडियो ट्रैक आती है और इसके ऊपर वीडियो ट्रैक आती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इस ट्रैक में जितने भी आपने क्लिप रखी है वो हाइड हो जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये ऑन है, ये ऑफ हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये अनहाइड हो जाती है, हाइड हो जाती है यहाँ से। यहाँ पर टोंगल सिंक लॉक है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये एक टोंगल ट्रैक लॉक है, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैक लॉक होती है, यहाँ से कंप्लीट ट्रैक लॉक हो जाएगी। और यहाँ से ये कंप्लीट ट्रैक लॉक नहीं होगी, ये केवल टोंगल लॉक ही होगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये ट्रैक लॉक हो जाएगी इस तरह से। आप ट्रैक लॉक करना चाहो तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा की फ्रेम, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करोगे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहो। और यहाँ पर न्यू ट्रैक ऐड कर सकते हैं, और कोई ट्रैक डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड ट्रैक करते एक नई ट्रैक ऐड होगी, और इसको मान लो डिलीट करना आप, तो यहाँ से आपको इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, ओके इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑप्शन छोड़ा था शुरुआत में, यहाँ पर ये जो होता है इंसर्ट एंड और राइट सीक्वेंस का, दरअसल क्या होता है सीक्वेंस का ये ऑप्शन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सीक्वेंस टू है, यहाँ पर एक सीक्वेंस न्यू क्रिएट कर लेते हैं, मैं यहाँ से न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया सीक्वेंस, और एक न्यू सीक्वेंस मैंने लिया, यहाँ पर एक न्यू सीक्वेंस है, ऊपर की ओर देखना सीक्वेंस 3 के नाम से आ रहा है। इस सीक्वेंस में कुछ वीडियो डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस 0.3 नाम से है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको सीक्वेंस 0.3 यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्टिकल माउस से सीक्वेंस है, इसको देखो यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको उठा के इस सीक्वेंस को यहाँ पर लाके छोड़ रहा हूँ। तो ये जब यहाँ से ऑफ होगा तब क्या होगा, जो क्लिप वहाँ पर है सीक्वेंस, इसमें जिस तरह से हमने क्लिप रखी थी सेम यहाँ पर क्लिप आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं वापस हटा देता हूँ, इसको वापस मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस मैं सीक्वेंस लेके आता हूँ, देख करना आपको यहाँ पर एक ही क्लिप आई है,
मतलब उसमें दो क्लिप हमने यूज की थी, लेकिन ये कंप्लीट सीक्वेंस बना के यहाँ पर हमें बता दिया इस तरह से। तो ये होता है इस बटन का यूज। तो यहाँ पर ये बटन हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में ऑडियो में आओ। ऑडियो में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं म्यूट, सोलो और यहाँ पर वॉइस और रिकॉर्डिंग। वॉइस और रिकॉर्डिंग सिंपल सा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोलो का मतलब होता है कि इस ट्रैक में जो म्यूजिक है वही बजेगा, नीचे वाले ट्रैक में आपने कोई म्यूजिक लगा रखा है तो वो वहाँ पर प्ले नहीं होगा, केवल यही म्यूजिक प्ले होगा। उसके बाद म्यूट में ये म्यूट हो जाएगा, कोई म्यूजिक प्ले नहीं होगा। इस तरह से इस बटन का यूज होता है। यहाँ पर भी सेम आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर ऊपर आपको टाइमलाइन दिखाई देती है, ये तो सिंपल समझ ले। और यहाँ पीछे इसको पकड़ के यहाँ पर आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो टाइमलाइन के बारे में बेसिक सी नॉलेज आज के इस वीडियो हम लोगों ने लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।